इस वीक का हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट आप लोगों को डबल बुलिश, सेकंड डबल बुलिश डबल बेयरिश, ये दो चैप्टर्स हैं आपके, है ना? इनको पहले तो कंप्लीट करना है। जो थर्ड पॉइंट आपका आएगा वो है निफ्टी 50 और सेक्टर्स के ऊपर किस तरह से आपको मार्किंग करनी है, सेक्टर मार्किंग। ये तीन चैप्टर्स होंगे जो कि इस पूरे वीक का आप लोगों का काम है, इन्हें कंप्लीट करना है पूरी तरह से। जो चीज़ हमने आपसे बोल रखी है कि कोई भी वीडियो आप लोग दो वीडियो से ज्यादा मत देखिएगा, वरना क्या होगा, वीक में अगर दो वीडियो से ज्यादा आप देख लोगे तो आने वाली क्लासेस आपके लिए एक बोर सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, पूरी की पूरी सारी क्लासेस आपके लिए बोरिंग हो जाएंगी। क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, जिन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस हम अब आपसे कराना चाहते हैं, वो वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देखे बैठे हो, तो अब जो क्लास में बोलेंगे वो आपके लिए पुराना हो चुका होगा। अब क्यों क्यों पुराना हो चुका, तो इसलिए आप क्लास में बैठ करके इसकी बातें सुनोगे, बिल्कुल भी ध्यान उन बातों पर नहीं जाएगा आपका, और जो भी चीज हम समझाएंगे उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान किसके ऊपर जाएगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो क्लास चल रही है उसके ऊपर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो ये बात हमने आपसे बोली कि 1 वीक में 2 वीडियोस देखिए, तो 2 ही वीडियोस देखिएगा, उससे आगे मत देखिएगा। क्योंकि जितने वीडियोस में सबको देखने के लिए एक प्रॉपर समय मिल रहा है आपको, तो जिस चीज का जो समय उस समय में सिर्फ वही काम। लास्ट जो क्लासेस अपनी हुई हैं, बोलिस्टा बेरिस्टा ऑफ सिंगल कैंडल फॉर्मेशन, इन दो फॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने की प्रैक्टिस, से पहले भी कुछ फॉर्मेशन हमने बताई थी, और आज की जो फॉर्मेशन, इनको टोटल मिलाकर के आपके पास हो जाते हैं 4 चैप्टर्स। चलिए, तो ये तो बात हो गई इनकी, दोनों चैप्टर्स की। अभी देखिए कुछ एक चीजें हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर हम समझाएंगे आपको। फिलहाल इस पूरे वीक आप लोगों को काम क्या करना है, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कल की क्लास अपनी कॉन्फ्रेंस पर होगी, और दूसरी चीज, लास्ट वीक के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स रहे इनको कल सॉल्व करेंगे, कल की क्लास के दौरान। ओके, अभी चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर। हम लोगों चार्ट्स के ऊपर कुछ, जब मार्केट चल रही थी, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कुछ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर लिया अपना, ये कौन सा है, नहीं, ये चार्ट नहीं है, डी ये वाला था। ये जितनी भी रेंजेस हैं हम इनको सबको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इनको सबको डिलीट कर दिया। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जब भी प्राइस को हमें देखना है, प्राइस को एनालाइज कैसे करना है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग आज के दिन। बेसिक क्या होगा, अमरिंदर ध्यान से सुनिएगा आप, जब हम कहते हैं कि प्राइस को हमें एनालाइज कैसे करना है, तो सिंपल सी चीज ये आती है कि कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हाइज हमने मार्क कर लिए और ये लोज मार्क कर लिए, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। ऐसा नहीं है कि किसी बुक का ये हो, मे भी हो सकता है कि किसी बुक में सारी चीजें हो भी ना। तो प्राइस को जब भी आप रीड करो तो क्या होगा, किसी भी जगह से नहीं पढ़ने लग जाना चाहिए प्राइस को, कि कोई भी रेड और ग्रीन कैंडल देख लिया आप उसको पढ़ने लग गए। आप सभी लोगों के माइक्स अनम्यूट है, अगर आप चाहें किसी भी तरह का कोई अगर सवाल होता है तो सभी लोगों के पास एक्सेस रहेगा, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बट अननेसेसरी किसी के भी माइक्स अनम्यूट नहीं होने चाहिए। अगर अननेसेसरी डिस्टर्ब होगा तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा कि कुछ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं, या फिर कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से प्राइस को हमें पढ़ना चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट। अब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप सभी लोग शायद इतनी बार सुन चुके हो कि अब इनसे थोड़ा सा इरिटेशन आप लोगों को होती हो अक्सर, और ये लाइन हम अक्सर यूज भी कर जाते हैं, तो क्योंकि जब हम जिस फील्ड में है वहां पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि नहीं चाहते हुए भी आपको सुनने ही पड़ेंगे, तो वो पॉइंट्स हो गया रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पॉइंट्स, है ना? एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन से पॉइंट होते हैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अक्सर लोग यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं स्विंग पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं, स्विंग पॉइंट। तो एक तो हो गया अपने पास रेजिस्टेंस पॉइंट,
एक हो गया सपोर्ट पॉइंट और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा स्विंग पॉइंट। अभी इन तीनों ही पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा जो आप लोग कोशिश कीजिएगा यूज करने की, हम लोग जो अक्सर कोशिश करते हैं वो सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमारा स्विंग पॉइंट पॉइंट यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस हमारे यूजलेस है या सपोर्ट यूजलेस है, इनमें सबसे ज्यादा प्राइस को रीड करने की जहां से भी आपको शुरुआत करनी है हमेशा वो एक स्विंग होता है। बाकी रेजिस्टेंस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है और सपोर्ट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो ये तीन के तीनों ही आपके एक इंपॉर्टेंट जोन बनते हैं। यहां तक क्लियर है ना? कितने पॉइंट्स हो गए अपने पास? रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, स्विंग्स, है ना? ये तीन पॉइंट्स हो गए। प्राइस को रीड करना, तो यहीं से रीड करना आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा प्राइस को रीड करने का। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होगा अपने इन पॉइंट्स को ढूंढ लेना। ओके, अब इसके बाद क्या? ये तो हमने कर लिया, इसके बाद हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? ये तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए, इसके पास किस चीज की जरूरत पड़ेगी? चार्ट पर ही चल के देखते हैं कि पहले जो ये क्राइटेरिया अपना है हम लोग इसको फुलफिल करते हैं, इसके बाद में देखेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है चार्ट की, हम लोग इसको मार्क करते हैं पहले। अक्षय, वॉल्यूम की तो जरूरत पड़ेगी, पहले हमें प्राइस के जितने क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल कर लेना है। जैसे यहां पर आपका प्राइस ने एक हाई लगाया था, ये एक लो था, हाई लो। देखिए ये जितना भी ये मैटर हमने भी ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करना इज नॉट इजी। मे भी हो सकता है कि ड्रॉइंग करने में हम भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। जो ड्रॉ किया ना, अब ये देखिए, ये एक मेरे लिए एक कंफ्यूजिंग जोन है। ये कंफ्यूजिंग जोन है, क्यों है ये? हम जान रहे हैं कि ये एक लो है, लो के बाद में यहां पर प्राइस ने हाई लगा दिया, और जिस कैंडल ने हाई लगाया उसी कैंडल ने लो भी लगा दिया। अब इसको हम कैसे मार्क करेंगे? और फिर से प्राइस बराबर साइड की तरफ चला गया। तो यहां पर हमने क्या किया कि लास्ट जो लो लगा था मेरा और अभी जो लो लगा है, इन दोनों में जो हमको सबसे सही लो लगा वो ये वाला लगा, हमने इसको ले लिया। अगर हम ये वाला लो मार्क कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा प्रीवियस लो मार्क हो, ये वाला लो अगर हम मार्क कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा प्रीवियस लो मार्क हो गया। अगर ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है तो जरूर यहां पर आपको पास्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता हुआ प्राइस दिखेगा। इसको कर देते हैं डिलीट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना? क्या भी चीज हम आपको बता रहे थे कि ये जो ड्राइंग हमने की है, ये वाली और ये वाली, इसको ड्रॉ करना इज नॉट ईजी। जब हम ये बोलते हैं कि ये ड्रॉ करना आसान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। समय देना होगा, समय के साथ साथ जस्ट आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस के जो क्राइटेरियाज हैं इनको खुले रखने होंगे। प्राइस को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है। कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां से प्राइस हमारा गिर जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा सकता है, है ना? ये लो। हमने यहां पर क्या किया है, हमने सिर्फ उन एरियाज को मार्क करने की कोशिश की है जहां से प्राइस हमारा गिरा है या तो फिर अपसाइड की तरफ गया है। सिंपल सी ये चीज तो मार्क हमने की है, इसको देखिए मार्क किया, इसको मार्क किया। अभी प्राइस मेरा अगर किसी एक रेंज से गिर रहा है या किसी रेंज से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। इसमें कोई नई खोज तुम लोगों ने कर नहीं ली, सिर्फ उस एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि जहां से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है। अभी भी देखिए आपके सामने हम कंफ्यूज हुए इस वाले जोन को ड्रॉ करने में। आपके सामने ये चीज हम आपसे क्यों बोल रहे हैं ना, कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा आप लोग, कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं। अगर किसी भी आर्ट को हम लोग सीख रहे हैं, हम ट्रेड को क्या है एज अ आर्ट मान के चलते हैं, किसी भी आर्ट को सीख रहे हैं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं पेशेंस तो बहुत सारे लोग इसमें भी इरिटेट होते होंगे, है ना? वही पेशेंस, पेशेंस जिसको देखो पेशेंस, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर जाना है। कुछ एक चीजें होती हैं जिसका अपना अलग रोल होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। पेशेंस इन द सेंस कि किसी चीज को अगर हमें सीखना है तो सीखने के लिए जो भी समय हमें देना है वो देना ही होगा, और ये जो भी ये चीज के जो समय देना है वो देना ही होगा, इसी को पेशेंस बोलते हैं लोग। तो जो भी लोग एक प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं वो क्या करते हैं या क्या बात बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ होता नहीं, जो पेशेंस पेशेंस बोलते हैं ना सब लोग, एक्चुअली ये बेकार की चीज होती है। अब यहां पर हमें जो चीज हम आपसे बता रहे थे अभी कि एक पॉइंट ये निकल करके आया। अब जितने भी मेरे स्विंग्स लगे हम इसको मार्क करेंगे। एक चीज ये याद रखनी है आप लोगों को, ये जो मार्किंग करने के पीछे की जो थ्योरी है,
थ्योरी हमको क्या बोलती है कि प्राइस ने अगर किसी रेंज से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया है, मेरे प्राइस ने किसी रेंज से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिया है, और अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है तो इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस उसी रेंज से मूव अप या मूव डाउन करे। याद रखिएगा ये चीज, हमारा प्राइस जिस भी रेंज से अप या फिर डाउन साइड की तरफ गिरता है पास्ट में, हम उन एरियाज को ड्रॉ कर लेते हैं ये मान करके कि अगर वो हाई या फिर लो, वो स्विंग हाई या फिर वो लो पॉइंट, वो सपोर्ट पॉइंट या फिर वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स, वो टर्निंग पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्चुअली अगर वो इंपॉर्टेंट हैं तो इन फ्यूचर भी प्राइसेस में उसी जगह से मूवमेंट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेगा ही लेगा ऐसा नहीं कहेंगे हम, ले सकता है हम ये बोलेंगे। जब हम ये कहते हैं कि ले ही लेगा, तब हम क्या मान के चलेंगे कि हम वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट ही कर देंगे। हमने मान लिया कि वो लेगा, लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं कि वो ले सकता है तो हम क्या करेंगे, कुछ कंफर्मेशंस का वेट करेंगे और अपनी उन कंफर्मेशंस के बाद जाकर कोई एक्शन लेंगे वहां पर। अमरीश जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, ये जो स्विंग हाई स्विंग लो जो आपने जो ड्रॉ किया ज़िगज़ैग पैटर्न बराबर, तो उसका जो कोई नियम होगा कि भई यहाँ से ही हाई का ड्रॉ करना है, यहाँ से ही लो लेना है, वो कोई नियम होगा इसका कि नियम नहीं होगा? नहीं, इसके नियम होते हैं। आपने लोअर लो और हायर हाई का नाम सुना है? हाँ सर। हमें इस बीच में काम क्या करना होता है, लोअर लो, एक प्रॉपर लोअर लो और प्रॉपर हायर हाई को देखना होता है। यहां पर आप गौर करेंगे तो देखिए यहां पर हमने क्या हाई मार्क किया है, मतलब प्रीवियस हाई जिसने ब्रेक कर दिया, हमने उस हाई को मार्क किया है। ओके हाँ, आप देखेंगे कि जो हमने लो को यहां पर मार्क किया है, तो जो प्रीवियस लो मेरा ब्रेक कर दिया गया, हमने इस वाले लो को मार्क किया है। बराबर इस तरह से लोअर लोस और लोअर हाईस को मार्क करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोअर लो लोअर हाई या फिर हायर हाई हायर लोस को मार्क करते हैं। बराबर, ओके सर। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं इसके पीछे, जस्ट आप प्राइस को एक बार देखेंगे आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ ओके। अब देखिए हमारा सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमने मार्क कर लिया यहां पर आपका सपोर्ट पॉइंट है ना, ये सपोर्ट पॉइंट मार्क कर लिया। अगेन जो प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गया है, मतलब डाउन साइड की तरफ से अप साइड की तरफ गया है, वो यहां से गया है, मतलब कि ये एक सपोर्ट पॉइंट है जहां से प्राइस ने इतनी बड़ी एक रैली दिखाई है हमको। देखिए जब मेरा प्राइस अप से डाउन साइड की तरफ गिरा था, अप से डाउन साइड की तरफ गिरा था, इसी एक रेंज तक आया था और यहां से उठ करके ये अपसाइड की तरफ चला गया था। यहां पर भी एक स्विंग लगे थे कि जहां से प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ आया था और इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया था, मतलब इस वाले हाई की अपनी कुछ अपना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। हमें कोई मतलब नहीं है क्या इंपॉर्टेंस है क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ हम इसका हाई मार्क कर लेंगे, सिर्फ हमने इसका हाई मार्क कर लिया है ना। जितने भी मेरे स्विंग्स हैं लाइक उसके बाद में प्राइस ने यहां से एक लो लगाया और यहां पर एक हाई लगा दी, हम इस वाले हाई को ही मार्क कर लेंगे। इन लाइंस को याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस जगह पर क्या हुआ था, यहां पर भी कुछ ना कुछ हाईज लगे थे। अभी तक देखिए हमने क्या मार्क किया है, इस वाले लो को मार्क किया है, यहां वाले हाई को मार्क किया है, इस वाले लो को मार्क किया है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस जितने भी मेरे स्विंग्स थे, लाइक एक स्विंग हमने ये मार्क कर लिया, एक ये मार्क कर लिया, एक ऊपर वाला मार्क कर लिया, एक नीचे वाला मार्क कर लिया, मतलब चार स्विंग्स हमने मार्क कर लिए। अभी आगे क्या हो रहा है ये भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद में जब प्राइस हमारा प्रीवियस हाईस को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकल रहा था, अगेन यहां पर कुछ हाईस लगे थे है ना, प्रॉपर वे में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हाइज लग रहे हैं,
अब हम क्या करेंगे, इन हाइस को भी मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लिया। हम देख रहे हैं कि जब हमने इस वाले स्विंग को मार्क किया है, 14 सितंबर के स्विंग को मार्क किया है, तो यहां पर ऑलरेडी मेरे आगे के स्विंग्स मार्क हो गए, है ना। और जो सबसे ऊपर में हाई लगा है हम इसको मार्क कर लेंगे। ये बन गई मेरी कुछ रेंजेस फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए हमने कुछ अपनी रेंजेस मार्क कर ली। अब जो मूवमेंट्स मेरे हो रहे हैं वो सारे के सारे मूवमेंट्स मेरे हो रहे हैं अपनी इस रेंज के पास में। एक बात जो कि गौर करने वाली और देखने वाली है कि यहां पर हम लोगों ने मार्कआउट क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की जो मेरी रेंजेस मार्क है वो इतने एरिया मार्क हमने किए हैं। बाकी इसके आगे जो भी प्राइस हमारा मूवमेंट कर रहा है वो फ्यूचर के प्राइजेस हैं। इन फ्यूचर जो प्राइस हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है वो अपने पुराने वाले स्विंग हाइज और स्विंग लोज से ले रहा है। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर हम इन स्विंग हाइज और इन वाले स्विंग लोज को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत ही मास्टरी कर लेते हैं तो आने वाले समय में मेरे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी जब हम ये रेंजेस ड्रॉ कर रहे थे तो हमने आपसे एक छोटी सी बात बोली थी कि इन्हें ड्रॉ करने में हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज इट्स नॉट इजी। थोड़ा सा समय दीजिएगा इसके ऊपर। ये बिल्कुल भी हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर आप इसको ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि ये ड्रॉ हो चुकी है तो ये देखने में आसान लग रही है। मार्केट अभी जब आप लोग क्लास खत्म कर लेना ना तो कुछ चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना है। इसकी कोशिश क्या करिए, अब आजकल का तो समय ऐसा है, अपने पास देखिए सैटरडे का दिन है, शाम के 8 बज रहे हैं, 8:45 हो रहा है, 8:45 होने वाला है, अभी भी मार्केट चल रही है मेरे लिए। आप जब भी मार्केट ओपन कर लो, मतलब जब भी लैपटॉप ओपन कर दो, आपको कोई ना कोई चार्ट आपका रनिंग मिल ही जाएगा। क्लैरिटी और आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर करेंगे। अमन किसी भी एक स्टॉक का नाम दीजिए, जो भी आपका मन हो, कोई भी चार्ट। टाइटन। टाइटन को हम लोग मार्क करेंगे और इसको आप लोग पूरे वीक ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है अमन। कहीं से भी ले लेंगे, लाइक चलिए यहां से ले लेते हैं। ये लो हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये हाई मार्क कर लिया, लो हाई लो हाई लो। अभी यहां पर जितने मूव्स हमको इतने से एरिया में दिख रहे हैं, इतने से एरियाज में जितने मूव हमको दिख रहे हैं वो सिर्फ इतने ही हैं और कोई भी नहीं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर। 2 स्टेप और पीछे जाइए ना। जा हाँ, 2 स्टेप और जा, स्विंग मीन से जिगजैग की मार्किंग करिए ना। हाई लो। हाँ जी, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई। सर इस पॉइंट में ये नहीं हो सकता था क्या? हाँ हाँ, कौन सा सर? आपका जैसे यहाँ पे ये हाई लगा, यहाँ इसके जस्ट ऊपर वाला जो शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है कैंडल, नहीं ये इसके ये हाँ, अब जहाँ पे हाँ ये, हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, उसके बाद नीचे रिट्रेस करके फिर ऊपर, ऐसा हो सकता था? यहाँ कैंडल्स आप देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे मेरा हाई इसने लगाया था, हाँ इसके नीचे प्रॉपर कोई लो हमको नजर नहीं आ रहा है। ये वाला डोजी वाला कैंडल जो बना था हम लोग मार्क कर सकते हैं, बट अगर इसको हम मार्क कर लेंगे ना
मार्क करने को मार्क कर सकते हैं, बट ऑलरेडी क्योंकि हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है और ये जो ग्रुप फॉर्म हुआ है कैंडल्स का, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं ना, छोटी 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 ओके ओके, अगर यहीं पर हमें कोई एक अच्छी सी रेड कैंडल देखने को मिल जाती, यहाँ पर कोई ठीक ठाक लो कैंडल देखने को मिल जाती तो हम मार्क कर लेते। तो प्राइस में हमने क्या मार्क कर लिया, सीधे एक हाई मार्क कर लिया, हाई अगेन लो, हाई लो, सीधे हाई, ठीक है ना। थैंक यू सर, ये कुछ पैटर्न हमने मार्क कर लिया। अब देखिए ये वाली कैंडल भी, जब हम लोगों ने पिछले यहां पर भी बात की है कि इन कैंडल्स को हम मार्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर मार्क कर लिया, जबकि यहां पर लो किसने लगाया है, जस्ट एक वीक ही तो निकली है और हमने लोस को मार्क कर लिया। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, अगर अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको मार्क भी कर सकते हो, बट इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट चार्ट के ऊपर पड़ेगा नहीं अगर हम इनको मार्क कर लेते हैं। जो भी छोटी से छोटी भी कैंडल्स है ना, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, देखते हुए चलना है। यहां पर जो हमारी कैंडल्स बन रही थी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहां पर देखिए, दोनों में फर्क आपको नजर आएगा, यहां की और यहां की। या तो शुरुआत में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे तो कुछ सेंस करके हमने कुछ आपसे बातें शेयर की थी कि प्राइस को क्या आप सेंस कर पा रहे हैं सही से या नहीं, ये सारी चीजें वही है। एट दी एंड आप उसी लेवल पर आकर के पहुंचोगे। अब हम लोग यहां पर थे, हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए प्राइजेस के कुछ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट्स निकाल करके रख लेने अभी। तो मेरे पास जो इस वक्त के स्विंग्स नजर आ रहे हैं, वो एक तो ये वाला पॉइंट है, इसके बाद में एक ये वाला पॉइंट है, हाईज मेरे ये वाले हैं। समझ में आया यहाँ पर हमने क्या क्या मार्क किया है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। 1 2 3 एक ये हाई ले लेते हैं, मतलब अगर इसको ब्रेक किया तो लाइफ टाइम हाई है। मार्केट जिस तरह से इस वक्त चल रही है, सो थोड़ा सा मुश्किल है, लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको डिलीट करते हैं। अब जो हमारे पास रेंजेस निकल करके आई हैं नेक्स्ट वीक के लिए, वो ये वाली है। प्राइजेस की जो ऑब्जर्वेशन आप लोग कीजिएगा वो इन्हीं पॉइंट से कीजिएगा। जब इस रेंज पर प्राइस आता है, इस वाली रेंज पर, तब हमको देखना है, इस वाले पॉइंट पर आएगा तब हमको देखना है, ठीक है ना। प्रीवियस देखिए, ये वाला स्विंग था, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देने के बाद में इसने एक लो यहां पर लगा दिया अपना। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मेशंस कौन सी ड्रॉ हो रही है, कौन सी फॉर्मेशन बन रही है? शुरुआत की क्लासेस में हमने आपको बताई है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपको अपने प्राइजेक्शंस देखने हैं, ये वाले पॉइंट्स। इन बिटवीन कुछ भी होता है आप होने दीजिए उसको, हमें देखना नहीं है। इन बिटवीन कुछ भी हो रहा है आप उसको होने दीजिए, हमें नहीं देखना। हमारे लिए जो रेंजेस हमको हमारा सिस्टम दे रहा है वो है 2572, 2369 और 2231। नेक्स्ट वीक पूरा आपका काम रहेगा टाइटन को इन तीन पॉइंट से देखने का। समझ में आ रहा है? अब ये वाले पॉइंट सेम काम जो हम लोगों ने टाइटन में किया है वही काम लोग यहां भी कर रहे हैं। यहां पर भी हम लोगों ने क्या मार्क कर लिया, स्विंग्स को मार्क कर लिया, हाई हमारा ये लगा और वापस से प्राइस देखिए डाउन साइड की तरफ आते आते अचानक से अपसाइड की तरफ निकल गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट्स हैं। ये देखिए ये स्विंग्स है, लास्ट ट्रेड जो हमने अपना एग्जीक्यूट किया था इंडियन होटल का, देखिए यहां पर मेरे स्विंग्स ये वाले पॉइंट के थे ना, इस वाले पॉइंट के। क्या स्विंग्स मार्क करने जरूरी है, आप समझ रहे हैं ना, स्विंग्स ये वाले होंगे। अभी इस वाले स्विंग को ब्रेक करके देखिए, हमारी इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था 26th of November की कैंडल ने। हमने क्या किया, इस कैंडल को मार्क कर लिया, प्राइस वापस से मेरी उसी रेंज में चला गया, उसी रेंज के अंदर चला गया, मतलब कि मेरे स्विंग के पास चला गया। इसके बाद के जो टारगेट्स हमको इसके अंदर नजर आ रहे थे कि अगर प्राइस हमारे इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है ना अपसाइड की तरफ, तो ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं।
लेकिन बाद में इसके टारगेट्स को हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया था, 195 के आसपास ही 1-1.5 रुपए नीचे ही टारगेट्स बुक कर लिए थे। प्राइस वापस से देखिए अपने उसी स्विंग के अंदर आ गया। आप लोग एक काम कर सकते हो, इंडियन होटल को उठा करके जिस रेंज से हमने ट्रेड किया था ना, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए, देखने का काम कीजिए, सिर्फ कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। इसी रेंज से प्राइस को पकड़िए और देखिए कि प्राइस की मूवमेंट्स क्या होती है। बहुत आराम आराम से, बहुत पेशेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से। किसी भी चीज को हम लोग अगर सीख रहे हैं ना, तो सीखने का तरीका यही होता है। कहीं भी आप मतलब 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में, 5 क्लासेस में कैसे कोई आपको कोई चीज क्लियर कर पाएगा? अगर हम आपको कोई फॉर्मेशन बता रहे हैं या कोई चैप्टर दे रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर टाइम मेरी तरफ से आपको मिल रहा है पूरी पूरी वीक का। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस करिए फिर नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर, हम चाहें तो 7 दिन के अंदर 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 ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रोसेस में जितना समय लगना चाहिए उतना समय उसको देना चाहिए, वरना आपकी भी मेहनत खराब है और मेरी तो मेहनत खराब है ही। अगर आप समय दे रहे हो किसी प्रोसेस को सीखने के लिए, तो उतना प्रोसेस देना होगा। अमरिंदर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। अमरिंदर क्या समझ में आया जो इतनी देर से हमने बताया आपको? स्विंग्स को मार्क करना है सर, फिर इनके आसपास का ही प्राइस क्या चल रहा है ना, क्या इसे मूवमेंट कर रहा है, वो चीज को वॉच करना है। स्विंग्स मार्क कर लेंगे आप? बिल्कुल सर। पूरी तरह से कोशिश करिएगा मार्क करने की, नहीं होता है तो आज प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास में उसको फिर से पूछेगा कि कैसे मार्क करने हैं। जी सर। आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें स्विंग्स को और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे कि इसमें वॉल्यूम्स का किस तरह से यूज करेंगे, स्विंग्स को और एडवांस लेवल पर किस तरह से हम लोग मार्क आउट करेंगे। जस्ट आप समझ सकते हो एक नॉर्मल एक बेसिक लेवल पर स्विंग्स को भी हम लोगों ने मार्क करना सीखा था विदाउट वॉल्यूम, विदाउट वॉल्यूम, विदाउट फॉर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन, जस्ट स्विंग लोस और स्विंग हाइज से। अभी इसके अंदर वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट ऐड होंगे, धीरे धीरे क्लासेस में आपको बढ़ाते चले जाएंगे। जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, ये पूछना था कि सर ये हमने ब्रेकआउट कैंडल का आपने बोला रूम मार्क करने, लेकिन वो एक एक्चुअल स्विंग नहीं है, तो वहां से हम लोग को वो मार्क करना जरूरी है कि वहां से ऑब्जर्व करना जरूरी है? हाँ, मतलब कौन सी कैंडल जो भी लास्ट हम लोगों ने मार्क किया था? ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट कैंडल जो इंडियन होटल्स का ही ब्रेकआउट कैंडल आपने बोला ना, इसको जो स्विंग को नीचे, हाँ हाँ बड़ी कैंडल, हाँ इसको, हाँ सर। नहीं 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 नहीं, इसको अगर आप मार्क नहीं करते तो भी चलेगा, जिसका आपने बोला ना लो मार्क करने, इसका हमने लो मार्क किया है, बट जो यहाँ पर हमारे स्विंग्स लगे, क्योंकि अभी हम लोग स्विंग हाइज और स्विंग लोस को पढ़ रहे हैं, तो इस कैंडल का यूज अभी आपको नहीं करना है। ओके, अभी जो मार्किंग करनी है आपको, हाँ अभी जो मार्किंग करनी है वो सिर्फ स्विंग लोस, स्विंग हाइज। यहाँ पर भी देखिए जो लोस लगे हैं वो ये वाले लगे हैं। वापस से प्राइस जब इसके नीचे की दिशा में निकलेगा तो ये पॉइंट हमको देखना होगा। इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये धीरे धीरे करके आप लोगों को पता ही चल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो आप लोग और उसको क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास क्लोज करते हैं यहीं पर। ओके अच्छा, एक चीज और। हेलो जी, बोलिए सर जी। मैंने लास्ट जो रिकॉर्ड ये देखे थे ना वीडियोस, उसमें OI data in Nifty 50 every 50 minute. तो सर ये OI data मिलेगा कहाँ हमको Nifty 50 का? कितने दिन का experience हो रहा है overall आपको market में? सर ऐसे देखता तो 3-4 साल से हूँ। सुशील जी, वहाँ से हाँ, थोड़ा सा मतलब आप हमसे सीनियर हैं, हमें बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बट इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप 2 साल से किसी फील्ड में, 3 साल से हैं, और आपको यही नहीं मालूम है कि किसी भी स्टॉक का या फिर BMI का ओपन इंटरेस्ट कहां से देखना चाहिए। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी रहेगी तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद, समझे? ये चीज हम आपसे शेयर नहीं करेंगे, ना ही हम बताएंगे। ठीक है सर। जस्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे वैसे आपको मिल जाएगा हाउ टू नो। ओके सर, ट्राई किया था मैंने, लेकिन क्या ट्राई किया था आपने बताइए हमको। मैंने लिखा था OI data in Nifty 50 every 50 मिनट, ऐसे करके लिखा था। OI data in Nifty? In Nifty 50 every 15 मिनट।
ये लीजिए ओआई डेटा निफ्टी 50 सीधे देखिए ओआई सपोर्ट लेवल्स एनएससी की वेबसाइट पर आपको लेकर के चला गया। हाँ हाँ चले जाइए मिल जाएगा आपको यहाँ पर ओआई डेटा। तो उसमें सर लाइव 15 मिनट में मिलेगा 15 लाइव से का? किसी का कुछ मतलब देखिए ओआई डाटा का काम होता है जैसे हम मान लीजिए निफ्टी का एक चार्ट अपना ओपन कर लेते हैं यहां पर ओआई डाटा का सेंस सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जहां पर बायर्स या फिर सेलर्स की पोजीशंस की जो डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो एक राउंड फिगर होता है। बिल्कुल स्टैटिक्स में अगर आपको चाहिए कि 17,500 पर कितना ओआई डाटा है 17,500 पर सबसे ज्यादा ओआई डाटा है 17,550 पर सबसे ज्यादा ओआई डाटा है या फिर 17,450 पर ओआई डाटा है जिस रेंज पर सबसे ज्यादा ओआई डाटा होगा उस रेंज पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंसी देनी होगी। यहां पर देखिए कि जैसे निफ्टी 50 है तो एवरी 15 मिनट्स में देखने का कोई मतलब थोड़ी ना है हर 15 मिनट्स पर नहीं देखना है आपको मॉर्निंग में देखिए कि कहां पर सबसे ज्यादा ओआई डाटा है चेंज होता रहता है अपना ओआई डाटा वो चेंज होता रहता है। अब देखिए जैसे 17,450 है आप इसको मार्क कर लीजिए है ना 17,450 ओआई डाटा होगा तो वो इसी रेंज पर होगा 17,400 मार्क कर लीजिए ओआई डाटा होगा तो वो इसी रेंज पर होगा। अब हमको निफ्टी का ओआई डाटा देखना है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स हो गया है तो निफ्टी ओआई डाटा हर 50-50 रुपीस पर आपको यहां पर ओआई डाटा देखने को मिलेगा 17,250 17,200 इन द मनी आउट द मनी मालूम है आपको यस सर हाँ हाँ ये है ना ये तो इस रेंज हाँ. में देखिए 17,200 पर यहां पर सबसे ज्यादा ओआई डेटा मेरा हमको जो दिख रहा है नजर आ रहा है 17,200 पर 36,000 के समथिंग है और इसके डाउन साइड की तरफ आपको कहां पर दिख रहा है 17,300 पर नियर बाय प्राइस जहां पर चल रहा है उसके नियर बाय सबसे ज्यादा ओआई डेटा कहां पर है तो यहां पर जो सबसे ज्यादा हमको समझ में आ रहा है वो 17,200 की है इस वक्त 17,200 इसको मार्क कर लीजिए 17,200 पर देखिए अगर ये इंपॉर्टेंट है अगर ये डाटा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद में प्राइस आपको कुछ पॉइंट्स का मूव जरूर दिखाएगा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। एक्चुअली उसमें 15 मिनट था ना इसलिए मैं कंफ्यूज था और कुछ नहीं कि हर 15 मिनट पे आप मार्क करके रखिए ऐसा नहीं 15 मिनट्स में नहीं 15 मिनट्स नहीं है वो हर 50 रुपीस है सर एक्चुअली ओके देखिए 17,200 नीचे यस सर है ना 50 रुपीस का गैप फिर से 50 रुपीस का गैप फिर से 50 रुपीस का गैप तो हर 50-50 रुपीस के गैप्स पर यहाँ पर आपको ओआई डाटा मिलेगा। हाँ सर ये पता है इसका पता है बस सिंपल है ओके सर एनएससी की वेबसाइट पर आप जाइए कोई भी हो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो किसी भी स्टॉक का ओआई डाटा आपको देखना आपको निफ्टी पर एनएससी की वेबसाइट पर बहुत आसानी से मिलेगा। और सर इसी में जो आपने मार्किंग किया था 15-15 जो आपने इसी वीडियो में तो वो क्या इंडेक्स के अलावा स्टॉक में भी हम कर सकते हैं क्या वैसा क्योंकि इसका जो प्राइस सॉरी क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है 17,000 के करीब है बड़ा प्राइस है तो यहाँ पर जो आपका गैपिंग है वो 50 रुपीज की है वैसे ही स्टॉक्स के प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी गैपिंग और उसका ओवरऑल डाटा चेंज होता है। हर स्टॉक का ओवाई डाटा अलग अलग होगा रिलायंस का ओवाई डाटा अलग होगा बजाज फाइनेंस का अलग होगा बजाज फिनसर्व का अलग होगा टाटा स्टील का अलग होगा किसी भी स्टॉक आपको ओवाई डाटा देखना सिंपल जाकर के आप देख सकते हैं। ओके सर थैंक यू अक्षय माइक अनम्यूट कीजिए अपना जी सर जी प्लीज सर अदानी पोर्ट का
जी अक्षय बोलिए सर। अदानी पोर्ट का चार्ट लगाइएगा डेली वन डेली टाइम फ्रेम। ओके क्लास क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने टाइटन का ये जो मार्किंग है चार्ट्स है आप लोग देखते रहिएगा और यहीं से आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक पूरा प्राइस का ऑब्जर्वेशन करना है। कल की क्लास कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग लेंगे। ओके गुड नाइट सभी लोगों को, कल मिलते हैं हम लोग।